उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। वाह वाह दोस्तों, आपका सबका मन चाहता हूँ, अगर बात ठीक कह पा रहा हूँ। मनवीर तुम्हें बहुत धन्यवाद आए हो। कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। भाई जारी कमाल है, छोटे कारण बहुत। कहता हूँ उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और मित्रों, इन दो पंक्तियों को खासतौर सुनिएगा, बड़ा विवाद चला आ रहा है सारे संसार में युगों युगों से, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। मैं दोनों को मानता हूं, लेकिन मानता हूं कर्म का स्थान कहीं बड़ा है भाग्य से। सिद्ध करके बताता हूं, देखिएगा। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, बहुत अच्छे। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। शुक्रिया भाई डॉक्टर साहब, आपका स्नेह लायक। क्यों हथेली की, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। दोस्तों, कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। आजकल आप दूरदर्शन टीवी पर जितने चैनल सब पर देख रहे हैं, सारे संसार की हालत क्या है, हम लोग तीसरे विश्वयुद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। तभी बात कहना चाहता हूँ, नई पंक्तियां कहता हूँ कि दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम। सारी दुनिया को निगाह में रखते हुए देखिएगा कि दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, और आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम। तब ये पंक्तियां और कहना चाहता हूं, सुनिएगा। फूल को खारू बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खारू बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार। ये खास पंक्ति सुनिएगा। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, कमाल ही शेर है ये। हम और आप सब मिलकर कोशिश करते हैं सारे संसार में मोहब्बत रहे, प्यार रहे, लेकिन जाने कौन से दहशतगर्द लोग हैं, बच्चों के हाथ में बंदूकें थमा देते हैं। तब कहना चाहता हूँ, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं। जरा सुने, हमारे अमित बैठे हैं और मालवीय बैठे हैं, हमारे दुर्गेश अवस्थी बैठे हैं, विनोद बैठे हैं, और सारे लोग अनेक कई बैठते हैं। जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, जिन पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको खार बनाने पे तुली है दुनिया।
और दोस्तों एक दर्द है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब जाड़ों के दिनों में छोटे छोटे बच्चों को एक मोटा मोटा बस्तर कमर पर लादे हुए देखता हूँ तो मुझे मेरा मन हुआ कि ये बात कही जाए। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भूला बचपन, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। और दो पंक्तियां बीच में भूल गया था, अब याद आई, सुनाना चाहता हूँ। सबसे अच्छी पंक्तियां हैं, आप सबका स्नेह चाहता हूँ, सुनिएगा। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार। बहुत मन चाहता कि आपका मन चाहता हूँ कि जिस इन पंक्तियों सुनाने जा रहा हूँ आपको अच्छी लगे। और भी मैं महकती हुई मीठी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मीठी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है। वाह, मीठी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। वही मैं कहना चाहता हूँ, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। तब ये कहना चाहता हूं कि तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन। दोस्तों अगर बात अच्छी लगे बताइएगा। तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रख ली हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रख ली हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रख ली हैं। अगर प्रवीण कहें तो छोटा सा 2 मिनट का गीत। हाँ, स्वागत है। एक बार जरा तालियां बजाकर डॉक्टर साहब से हम निवेदन करें कि वो अपने छोटा सा गीत 2-2.5 मिनट का आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि आपके नज़दीक मैं आ चुका हूँ और आप मेरे नज़दीक आ चुके हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, आप तक पहुँच रहा हूँ साहब, तो पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ही चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते हैं। और ये पंक्तियां अक्सर नहीं कहा करता हूं, लेकिन यहां कहने का मन कर रहा है, अगर अच्छी लगे बताइएगा। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, कहता हूं कि दुख ही दुख को मांज रहा है जैसे कुछ मैले बर्तन। आपका मन चाहता हूं कि दुख ही दुख को मांज रहा है, दुख ही दुख को मांज रहा है जैसे कुछ मैले बर्तन, मिट्टी से ही मैले होते मिट्टी से ही धुलते हैं। दुख ही दुख को मांज रहा है जैसे कुछ मैले बर्तन, मिट्टी से ही मैले होते मिट्टी से ही और धुलते हैं। तब कहता हूं, सुनिएगा मेरे साथ साथ रहा, बिल्कुल पहली पंक्ति से उठा ली इस गीत को तो मैं सुनाने का मन और बन जाए। प्रतीक्षा का गीत है। बादल जो नभ में खड़ा मिला, तुम्हारे मन का है। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, बादल जो मन में खड़ा, बढ़िया गीत है।
बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बादल जो नभ में खड़ा मिला। एक बार पूरा संग तालियां पर आए, क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने, बहुत भाई जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। सुना रहा हूँ जी, मैं 15 साल बाद गीत सुना रहा हूँ, पहले मैं सुनाया करता था। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला। सुनिएगा छन, कहने को तो नभ ऊंचा है नन्ही नन्ही दो आंखों से। दोस्तों, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ा करता था 1957 में, तो 4 पंक्तियां मैंने उस समय कह दी थी और वो पंक्तियां मेरे गुरु को बहुत पसंद आई, और उन पंक्तियों से जुड़कर ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि रूप के सूत्र बहारे नहीं पिरो सकते, रात की मांग सितारे नहीं समझो सकते, मेरी कुटिया से माना के महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। 14 साल का था तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, और तब मैं पंक्तियां। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पंखों से, पर हर ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पंखों से, मंदिर की प्रतिमा से ज्यादा सम्मान मिला उन फूलों को, जो चाहे टूट गए लेकिन जो गिरे नहीं खुद शाखों से, बादल जो नग सा जड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन मन की मुदुरी में जो आंसू की बूंद जड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। 5 तत्व जो हैं हमारे शरीर के, सारी दुनिया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बना समीरा, ये सब नृत्य करते हैं, सब गाते हैं, लेकिन उनके गाने की बात अलग है और मैं जो कह रहा हूं। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बैठो विनोद, बैठो। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला माना मिट्टी भी गाती है, यह नील गगन भी गाता है, ऊंची लपटों के स्वर में ये पावक भी गीत सुनाता है, चाहे हो गीत हवाओं का या सागर के नीले जल का, चाहे हो गीत हवाओं का या सागर के नीले
मिले जल का हर गीत, मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। हर गीत मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। बादल जो नभ में पड़ा, बादल जो नभ में पड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में पड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन खिलते फूलों पर जो, लेकिन खिलते फूलों पर जो शबनम की बूंद पड़ी होगी, लेकिन खिलते फूलों पर जो शबनम की बूंद पड़ी होगी। आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।